अब आप यहां पर देखिए, एक ए था, इससे प्रोडक्ट पी बन गया। तो आप इसके लिए जब लिखेंगे रेट, लिखेंगे रेट इज इक्वल टू माइनस बी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर वन। तो अब इसको लिखेंगे ऐसे, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, इस तरह से लिख लेंगे। अब इक्वल में क्या करेंगे इसको, आप यहां पर के डी टी, अब यहां पर लिख लेंगे ये डी ए अपॉन डी टी, ऐसे रखिए यहां पर के, ये हो जाएगा के ए। अब जब इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पर इसको डी ए अपॉन डी टी रखिए और इसको आप के ए रखिए इस तरह से। तो जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई, ये इतना हो जाएगा, माइनस एल एन ए के टी प्लस आई। अब यहां पर क्या करेंगे, आप ये मानेंगे कि एट टी इज इक्वल टू जीरो जो ए है ये इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट के इक्वल में हो जाएगा। तो यहां पर माइनस एल एन ए नॉट लिखेंगे इज इक्वल टू के टी हो जाएगा जीरो, तो इज इक्वल टू ये किसके आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आई के। अब यही आई की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दीजिए, हो जाएगा माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी और माइनस एल एन ए नॉट आ जाएगा। अब ये इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, एल एन ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी। तो फिर इसको एल एन की वैल्यू हटाने के लिए हम लिखते हैं 2.303 लॉग, ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन ए टी अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ए नॉट अपॉन ए इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बन जाएगा। जब इसी के लिए आपको हाफ लाइफ पीरियड इस फॉर्मूले के लिए दिखाना पड़े तो आप क्या करेंगे, इसमें t इज इक्वल टू टी हाफ रख देंगे और इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट ए इज इक्वल टू जो होगा वो ए नॉट बाई टू कर लेंगे, तो आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टी की जगह पर रखेंगे टी हाफ, और यह आ जाएगा लॉग, ये ऊपर तो ए नॉट रहेगा, नीचे हो जाएगा ए नॉट बाई टू, ए नॉट कट जाएगा, टू ऊपर पहुंच जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3010। इसका मल्टीपल करेंगे और हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कॉन्स्टेंट का या हाफ लाइफ पीरियड का। इसका जब ग्राफ फॉर्म करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, तो ये लॉग ए और टाइम के बीच में ग्राफ फॉर्म करते हैं, ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, तो जो इसका स्लोप होता है वो माइनस के अपॉन 2.303 आ जाता है। और अगर मैं लॉग ए नॉट अपॉन ए के बीच में ग्राफ बनाऊं और यहां पर टाइम लिख दूं, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है और इसका जो स्लोप आता है वो आ जाता है के अपॉन 2.303। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट लॉ मींस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।